आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करूंगा सत्य की प्रेम कथा इस फिल्म के सेकंड सॉन्ग के बारे में, जिसका नाम है तू मेरी रहना। ये गाना मैंने सुना और लिटरली मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो वो एक शादी का माहौल, वो जो एक मैरिज का, वो जो एक एटमॉस्फेयर था इस गाने में, वो इस गाने का सबसे बड़ा हाईलाइट था। क्योंकि यार ये इतना मैजेस्टिक वे में उस शादी को दिखाए जो कि आर आडवाणी और कार्तिक आर्यन की हो रही है, बहुत स्वीट। आप खो जाओगे, आप फील करने लग जाओगे उस शादी को कि आप भी उस शादी को अटेंड कर रहे हो, ऐसा ये गाना फील कराएगा। उसके बाद जो मनन भारद्वाज की जो वो एक सिंगिंग एबिलिटी है, उनकी जो वॉइस है वो बहुत ही मेलोडियस है यार, बहुत प्यारा गाना गाया है। और इन सब से भी अलग जो सामने से हमें दिख रहा है, जैसे कार्तिक आर्यन है, कियारा आडवाणी है, इन दोनों का लुक बहुत स्वीट, मेड फॉर ईच अदर लुक इनका यहाँ देखने से लगता है। साथ ही साथ में कार्तिक आर्यन, एक सीन आएगा जिसमें वो डांस कर रहे हैं, उनके चेहरे पे रंग लगा हुआ है और अपनी एक बड़ी क्यूट सी स्माइल दिखा रहे हैं। तो वो स्माइल देख के मैं एक ही चीज़ कंक्लूड करना चाहता हूँ कि बंदा स्मार्टनेस के साथ साथ उसके अंदर क्यूटनेस भी है भाई। कियारा आडवाणी यार लहंगे में कितनी खूबसूरत लग रही है, वो शादी का जो लहंगा उन्होंने पहना है। तो ओवरऑल गाने के लिरिक्स काफ़ी मेलोडियस है, गाने को जिस तरीके से गाया गया है और जिस बैकड्रॉप पे उसको रखा गया, जो कंपोजिशन है विद दिस वीडियो ऑफ मैरिज, तो आप देखना काफ़ी ज़्यादा जुगलबंदी आपको गाने की वीडियो के साथ नज़र आएगी। ओवरऑल गाना बहुत अच्छा है, गाने का जो बैकड्रॉप है, वो जो मैरिज का जो एक सीन है, वो जो बैकड्रॉप है, वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव यहाँ नज़र आता है। गजराज राव एज अ फादर, उनका जो चेहरा है बड़ा स्वीट मुझे लगा। तो ओवरऑल गाना काफ़ी अच्छा है, अगर आपने ये सुना तो बताना जरूर आपको सेकेंड सिंगल ऑफ सत्य की प्रेम कथा कैसा लगा।